हाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वीवो V9 से कैसे आप बेहतरीन लैंडस्केप पिक्चर्स ले सकते हैं। तो वीवो V9 में ऐसे कुछ सेटिंग्स दिए हैं जहां से आप ट्वीक करके बहुत ही अच्छा पिक्चर्स ले सकते हैं, तो वही मैं दिखाने वाला हूँ। यूजुअली क्या करते हैं, कैमरा पर जाते हैं, टेक फोटो मोड या फिर एक्सपर्ट मोड, प्रोफेशनल मोड जो भी होता है, वहाँ पर जाके कुछ सेटिंग्स बदल के आप टैप कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं पिक्चर को, तो और समझते हैं कि बहुत ही अच्छा पिक्चर्स आया है। लेकिन प्रोफेशनल बनने के लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस होते हैं आपके मोबाइल में, तो वहीं आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को देखिए, और उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर, बहुत ही यूज़फुल वीडियोस बना रहा हूँ। ऑलरेडी वीवो V9 का फूड फोटोग्राफी बनाया हूँ, आपने नहीं देखा तो वीडियो देखिए वो, और कैमरा यूज़र इंटरफेस का तो बनाया हूँ ऑलरेडी, तो वो वाला भी आप देख सकते हैं। फुल कंप्लीट कैमरा यूज़र इंटरफेस कवर किया हूँ उस वीडियो में, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में लैंडस्केप फोटोग्राफी के बारे में हम देखेंगे। चलिए वीडियो को देखते हैं, क्या सेटिंग्स चेंज करना है आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए। तो ये है टिपिकल यूज़र इंटरफेस, कैमरा यूज़र इंटरफेस वीवो V9 का। जब भी आप कैमरा को ओपन करेंगे तो यही इंटरफेस पाएंगे, लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर मैंने ग्रिड लाइंस को एनेबल किया है। कैसे हेल्प होता है ग्रिड लाइंस, क्यों एनेबल करना है, कहाँ से एनेबल करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स पर जाएंगे तो फ्रेमिंग लाइंस करके लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको आपको येल्लो बनाना है, यानी इसको एक बार टैप करेंगे तो येल्लो हो जाएगा, यानी कि एनेबल्ड है अभी। तो ये वाला फ्रेमिंग लाइंस, इसी को ग्रिड लाइंस भी कहते हैं, तो इस फ्रेमिंग लाइंस को आप रेफरेंस की तरह यूज़ करके देखिए बहुत ही अच्छी तरह से कॉम्पोजिशन ले सकते हैं। यहाँ से आप इंश्योर कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर है बिल्कुल, और ऐसे उल्टा पलटा कुछ एंगल वियर्ड एंगल पर नहीं है, तो आप इसको डेफिनेट कीजिए पहले कि आपका एंगल जो भी पकड़े है आप मोबाइल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, उससे आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल लुक मिलेगा पिक्चर्स को खींचने के बाद। तो ये वाला ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग हमको देखना है, यहाँ पर टेक फोटो से हम एक्सपर्ट मोड पर जाएंगे, तो ये प्रोफेशनल मूड पर जाएंगे। तो प्रोफेशनल मूड में क्या करना है आपको, अभी ग्रिड लाइंस तो एनेबल कर दिया है, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा आइकॉन है, तो ये इलेक्ट्रो लेवल मीटर, यानी कि यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि कैसे कितना उल्टा आप पकड़े हैं मोबाइल, कैसे पकड़े हैं, कि कौन सा एंगल में है। तो आप ये बिल्कुल येलो अगर करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हॉरिजॉन्टल पर है, तो जहाँ पर भी आप पकड़ के कैप्चर कीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से पिक्चर्स आएंगे। तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल स्टडी पकड़े हो, ऐसे मोबाइल होल्ड किए हो, और उसके बाद ही कभी भी कैप्चर करना आप। तो ये वाला इलेक्ट्रो लेवल मीटर अभी हमने एनेबल कर दिया है, तो उसके बाद क्या देखना है कि यहाँ पर देखिए आपको ये फोर ग्राउंड एलिमेंट्स कहते हैं हम सामने वाला, और बैक में जो है सीन में वो बैकग्राउंड एलिमेंट्स। अभी हम अगर आप गौर करेंगे तो फोरग्राउंड एलिमेंट थोड़ा डार्क है और बैकग्राउंड एलिमेंट फुल ब्राइट है, क्योंकि सन वहाँ पर है और इसके साथ क्लाउड्स भी है, ब्लू स्काई भी है। अब यहाँ पर ब्राइटनेस कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ पर देखें ईवी करके है, तो ईवी को एक बार टैप करेंगे तो एक्सपोजर वैल्यू, एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन जो कहते हैं, ऐसे नज़ारे में बहुत हेल्प होता है। तो जस्ट आप +0.3 स्टॉप या फिर +0.5 स्टॉप पर इंक्रीज़ कर दीजिए, तो ऑलरेडी देखिए फोरग्राउंड एलिमेंट बहुत ही ब्राइट हुआ, उसके साथ पीछे वाला भी ब्राइट होता है, लेकिन थोड़ा कॉम्पेंसेट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए ब्लू स्काई भी है, वाइट क्लाउड्स भी है, और यहाँ पर भी ब्राइटनेस आ चुका है। तो ऐसे अगर आप कैप्चर करेंगे पिक्चर को तो एक सुपर पिक्चर आपको क्लियरली मिलेगा। तो नेक्स्ट सेटिंग क्या देखना है हमको, यहाँ पर देखिए अल्ट्रा HD मोड है, तो इसको एनेबल करेंगे तो 63 मेगापिक्सल का आपको पिक्चर मिलेगा। आप इमेजिन कीजिए उस पिक्चर को लेके आप अगर प्रिंटआउट निकाल के आप अपने घर में वॉल पर हैंग करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा वो भी आपके खींचा हुआ पिक्चर। तो ऐसे आप अल्ट्रा HD में बिल्कुल स्टेडी रखना है फिर से, तो जस्ट टैप करेंगे तो कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए, वो प्रोसेस होगा, बिल्कुल शेक नहीं करना है। उसके बाद आपको एक सुपर्ब लैंडस्केप का पिक्चर मिल रहा है 63 मेगापिक्सल में, तो ऐसे आप बहुत ही अच्छा लैंडस्केप पिक्चर ले सकते हैं। उसके बाद क्या देखना है, यहाँ पर वाइट बैलेंस है, तो WB करके लिखा है ना, एक बार टैप कीजिए। अगर आपको ये जो सीन में अभी दे रहा है यहाँ पर जो कलर्स है वो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो वाइट बैलेंस के यहाँ पर इसको यूज़ करके आप बदल के देखिए, चेंज करके कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है टेम्परेचर वाला, तो उसको आप देखने के बाद अगर ये अच्छा लगता है तो फिर से कैप्चर करेंगे। तो ऐसे आप कलर्स को भी बदल सकते हैं जो सीनरी है उस सीनरी में।
तो अभी मैंने पहले कहा कि आपको ग्रिड लाइंस को एनेबल करना है, तो उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रो लेवल मीटर को एनेबल करना है। इससे आपको कॉम्पोजिशन बहुत ही अच्छी तरह से मिलेगा और जो भी आप एंगल पकड़ते हैं मोबाइल को वो आप देखिए कि कुछ ना कुछ फोरग्राउंड एलिमेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड एलिमेंट्स होना चाहिए। ऐसे आपको आँखों को बहुत ही प्लीजिंग लगेगा और बहुत ही अच्छा भी लगेगा। तो ये सब सेटिंग्स को आप एनेबल करके पिक्चर्स लेकर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और दिखाइए अपना पिक्चर्स कि कैसे लिए हैं आप। मैं कमेंट्स और क्रिटिक ज़रूर करूँगा। तो होपफुली आपको ये सारा सेटिंग्स यूज़ हुआ होगा। अगर है तो सब्सक्राइब करके बने रहिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर अपना, बाय बाय।